हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएलएड स्टडी क्लासेस। मैं अनु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैराथन क्लास टू, जो इस वीडियो में पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। आपका सब्जेक्ट है शिक्षण अधिगम, जो आपका दूसरा पेपर है, जो 50 नंबर का होता है। ठीक है, कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का। तो हम आज बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सेकंड है, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम। ठीक है, आज मैराथन क्लास है, ये दूसरा मैराथन है। इसमें सारा जो भी बचा था पहले मैराथन का, आज इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आज का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। किस चीज़ का? शिक्षण अधिगम का, जो कितने नंबर का है आपका? 50। ठीक है, तो पहला जो मैंने मैराथन क्लास दिया है उसको अवश्य देखिएगा, और ये दूसरा। ठीक है, इससे आपके सारा सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा और 50 में से आपके 45 और 48 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन लिया है सब आपका प्रीवियस ईयर है, सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन दोहराए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, आपको ओवरव्यू करा देती हूँ मैं क्या क्या ली हूँ। ठीक है, आज आप किसके बारे में पढ़ेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आप गाइस पढ़ेंगे ये प्रयोग प्रदर्शन विधि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे निरीक्षण विधि क्या होता है, अन्वेषण विधि क्या होता है, गतिविधि क्रियाकलाप आधारित शिक्षण क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। ठीक है, और इसकी उपयोगिता क्या है, और आपके हैं बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है, आपके सहगामी शिक्षण क्या है, और आपके बहुकक्षा या बहुक्षेत्रीय शिक्षण क्या है, आपका उपचारात्मक शिक्षण क्या है। ठीक है, आगमन विधि किसे कहते हैं, आपका पुनर्वलन क्या होता है, खेल आधारित शिक्षण कौन कौन से होते हैं, सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग क्या होता है, शिक्षण कौशल कौन कौन से होते हैं, शिक्षण कौशल के बारे में जानेंगे, और आपका लास्ट है पुनर्वलन क्या होता है। ठीक है, और गणित की कीट क्या होती है, क्वेश्चन पूछा गया है गणित में कौन कौन से कीट होते हैं, कीट मतलब कि कौन कौन से सामग्री मिलती है, और ये आपके लास्ट क्वेश्चन था। तो इसको वीडियो पूरा देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल वीडियो है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है। प्रयोग प्रदर्शन मतलब कि हम क्या एक्सपेरिमेंट मेथड, ठीक है, से क्या समझते हैं। तो आपको गाइस पता ही होगा जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है या एक्सपेरिमेंट मेथड है, हम कहाँ किस सब्जेक्ट में इसका यूज़ करते हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं विज्ञान में। ठीक है, साइंस के सब्जेक्ट में हम करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया भी होगा लैब वगैरह में, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। ठीक है, तो मेनली ये भी पूछता है क्वेश्चन कि प्रयोग प्रदर्शन विधि किस सब्जेक्ट में हम करते हैं, तो आपका साइंस होता है। तो इसके बारे में जानते हैं क्या कहता है प्रयोग प्रदर्शन विधि। इस विधि में जो वस्तुएं दिखाई जाती हैं छात्रों को उन्हीं वस्तुओं का ज्ञान कराया जाता है। जब छात्र वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है तो उनको उस वस्तु की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम जो भी वस्तुओं को हम बच्चों को दिखाते हैं तो उसको हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। ठीक है, उनके सामने करते हैं, इससे जो हमारी जानकारी होती है वो परमानेंट हो जाती है। ठीक है, अस्थाई होती है। अब इसका कह रहा है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि का महत्व क्या है, महत्व के बारे में जानेंगे, एक्सपेरिमेंट मेथड का क्या महत्व है। तो पहला है आपका छात्रों की निरीक्षण तर्क शक्ति का विकास होता है। निरीक्षण मतलब देखना। ठीक है, बच्चा क्या करता है, देखने, उसके अंदर देखने की शक्ति और आपको तर्क करने की शक्ति का विकास होता है इस प्रयोग प्रदर्शन विधि से। दूसरा आपका है इसका महत्व छात्र स्वयं देखकर सीखते हैं। ठीक है,
क्योंकि छात्रों से ही कराया जाता है एक्सपेरिमेंट मेथड, तो क्या करते हैं बच्चे स्वयं देखकर सीखते हैं। और तीसरा आपका है छोटी कक्षाओं को कम समय में उपयुक्त ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो गाइस आपको पता है एक्सपेरिमेंट मेथड में कम बच्चे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो ज्ञान मिलता है उनको अस्थाई मिलता है और उपयुक्त होता है, बहुत टाइम के लिए होता है, ठीक है, परमानेंट नॉलेज हो पाते हैं। थर्ड है प्रयोग प्रदर्शन विधि में बच्चे करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, जो स्वयं से करते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग जो मेथड होता है सबसे वो प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि बच्चा खुद करता है और सीखता है। जब बच्चा खुद करके सीखेगा तो उसको इंटरेस्ट आएगा और वो जो भी नई चीज़ें सीखेगा उसके लिए परमानेंट हो जाएंगी, वो कहीं भी भूलेगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों। वही विज्ञान में कह रहा है, विज्ञान सब्जेक्ट में हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, तो हम प्रयोग प्रदर्शन मतलब आपका एक्सपेरिमेंट मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये साइंस, देखिए एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने बोला था ऊपर कि पूछता है साइंस सब्जेक्ट में किस मेथड का यूज़ करते हैं टीचिंग के लिए, तो प्रयोग प्रदर्शन का, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि एक अनुसंधान विधि, अनुसंधान मतलब रिसर्च मेथड है ये, ठीक है, बच्चे कुछ ना कुछ इससे खोजते हैं और इससे क्या करके सीखता है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है उदाहरण प्रविधि को का दो उपयोगिता बताइए। उदाहरण प्रविधि जैसे प्रोजेक्ट, वो आपने देखा एक्सपेरिमेंट मेथड टीचिंग के लिए, वैसे ही उदाहरण प्रविधि भी होता है, एग्जाम्पल से भी हम बच्चों को सिखाते हैं। तो पहला पूछ रहा है इसका कि अब इसका उपयोगिता क्या होता है, तो इससे पाठ्य पुस्तक रोचक बोधगम्य एवं स्वस्पष्ट होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाते हैं तो जो भी हम कंटेंट या विषय वस्तु सिखाते हैं वो क्या होता है, रुचिकर होता है, बोधगम्य, हमें समझ में आता है और स्वस्पष्ट और क्लियर हो जाता है अच्छे से। तीसरा है आपका है उदाहरणों का प्रयोग विषय वस्तु को अधिक स्वस्पष्ट करता है और नया ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है, इससे हमें नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है आपका निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है। निरीक्षण विधि जिसको हम निरीक्षण करके सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, ठीक है, तो निरीक्षण विधि का महत्व देखते हैं क्या है। कह रहा है यह मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है, ये कैसी विधि है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा है इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेन्द्रियों का विकास होता है। ज्ञानेन्द्रियों का विकास मतलब ज्ञानेन्द्रियाँ आपकी सक्रिय हो जाती है। ज्ञानेन्द्रियाँ हमारी 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो अगर हम किसी भी चीज़ को का निरीक्षण करेंगे या ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सब हमारे ऑब्जर्वेशन में क्या काम आता है, ज्ञानेन्द्रियाँ हमारी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है आपका कह रहा है बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, सक्रिय रहते हैं जब निरीक्षण करते हैं, क्योंकि निरीक्षण करेंगे तो अलर्ट रहेंगे और अलर्ट रहेंगे तो क्या करेंगे, सक्रिय रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अन्वेषण विधि क्या होता है, तो अन्वेषण का मतलब ही होता है गाइस खोजना, ठीक है, अन्वेषण का मतलब क्या होता है, खोजना। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बालकों को पूरा समय दिया जाता है खोज करने के लिए, ठीक है, बच्चों के पास इनफ टाइम दिया जाता है, वो नई नई चीज़ें खोजते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं। आगे देखिए इसमें और क्या होता है, दूसरा इससे बच्चों में नवीन ज्ञान का अर्जन होता है, ठीक है, जब बच्चे अन्वेषण करेंगे, ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ नया चीज़ों का आविष्कार करेंगे, ठीक है, नई नई चीज़ें सीखेंगे। और तीसरा इसका उपयोगिता ये है कि जो बच्चे होते हैं खुद से सीखते हैं, जब अन्वेषण ढूंढेंगे तो क्या हो जाए, खुद से सीखेंगे, इसके अंदर प्रोजेक्ट मेथड आता है, अन्वेषण के प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, जो बच्चों को हम स्कूल से वगैरह प्रोजेक्ट देते हैं ना, किसी टॉपिक को दे देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि अपने चीज़ों से अपने दिमाग से करके इसको ले आइए। वही क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है गतिविधि या क्रियाकलाप आधारित शिक्षण की उपयोगिता का महत्व बताइए। तो गतिविधि आधारित या क्रियाकलाप, गतिविधि मतलब बच्चा एक्टिव रहता है शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी,
उसको क्रियाकलाप विधि कहिए या गतिविधि आधारित कहिए। तो ये जानते हैं क्या होता है। इससे बालक स्वयं के क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें छात्र का शरीर तथा मस्तिष्क दोनों कार्य करते हैं, ठीक है, क्योंकि गति ये कह रहा है गतिविधि है, मतलब क्रियाशीलता का सिद्धांत, मतलब वो क्या कहता है, एक्टिव रहता है शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, ठीक है। इसका परिभाषा है आपके इस कामेनियस के द्वारा दिया गया है। कह रहा है शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सके। इसकी उपयोगिता क्या है जानते हैं। उपयोगिता यह प्रायः बाल केंद्रित होता है, कि बाल केंद्रित इसलिए होता है कि बालक क्या होता है, सक्रिय होता है ना, अपने क्रियाकलापों से सीखता है। और दूसरा है इसमें व्यवसायिक कुशलता प्रदान की जाती है, इसमें जो भी टीचिंग कराया जाता है वो व्यवसाय से रिलेटेड कराया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चा बड़ा हो तो उसे व्यवसाय में कोई हेल्प दिक्कत ना हो। तीसरा है आपका शिक्षक बालकों को करके सीखने पर बल देता है, ये भी किस पे करता है काम, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, तो इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है तथा उसका उपयोगिता बताइए। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, ठीक है, इसका मीनिंग जान लीजिए। पहले कह रहा है शिक्षण का मुख्य बिंदु बालक होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मुख्य बिंदु होता है शिक्षण का वो बालक होता है। बालक की रुचियों क्षमताओं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता है तथा पाठ्यक्रम निर्धारित भी बालक के अनुसार होता है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, न कि टीचर को। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो शिक्षा होती थी, शिक्षण होता था, वो टीचर या शिक्षक केंद्रित होता था, उसमें शिक्षक अपने मन से चीज़ों को पढ़ाता था, ठीक है, उसमें ये छात्र को कोई वरीयता नहीं दी जाती थी। लेकिन अभी आज के ज़माने में हम किसको सेंटर मानते हैं, हम केंद्र मानते हैं बालक को, बालक के अनुसार, उनके मानसिक स्तर के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार, उनके अनुसार हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, ठीक है, इसे हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। एक कोटेशन है आपका बाल केंद्रित का, बालक का सर्वांगीण विकास, बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है। बालक का सर्वांगीण विकास का मतलब होता है उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सारे पक्षों का विकास आपका बाल केंद्रित सर्वांगीण विकास कहलाता है। और ये सर्वांगीण विकास किसके द्वारा होता है, बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा, क्योंकि हम बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की रुचियों का ध्यान रखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व या उपयोगिता तो ये जानते हैं, इसका महत्व उपयोगिता क्या है। पहला है उपयोगिता, इसमें बालक को व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर उसकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जो शिक्षक होता है व्यक्तिगत रूप से बच्चों के क्या कमियां का पता करता है, उनकी कठिनाइयों को दूर करता है, ठीक है। दूसरा इसका उपयोगिता यह है, इसमें शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता मिलती है। हम बाल केंद्रित शिक्षा में क्या करते हैं, बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के अकॉर्डिंग ही शिक्षा देते हैं, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है, डेवलप होने में सहायता मिलती है। तीसरा है इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण मतलब क्या है, पर्टिकुलर बच्चे को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। इस कथन से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले समझ जाइए कि आदेशात्मक व्यवहार क्या होता है। तो आदेशात्मक व्यवहार क्या होता है, ये छात्रों के प्रति कठोर होता है, ठीक है, इसमें ये छात्रों के प्रति कठोर होता है, इसमें शिक्षक छात्रों पर हावी होता है। मतलब इसमें जो शिक्षक होता है वो छात्रों को ध्यान में न रखकर खुद को इम्पोर्टेंट देता है, जैसा चाहे वैसे पढ़ाए, छात्र को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसे नहीं मतलब होता है। और छात्रों को दंड दिया जाता है, मतलब इसमें क्या करता है, आदेश मतलब किसी को आर्डर करना, बच्चों को आर्डर नहीं कर सकते आप, बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, निर्देश करिए आप ना, उनको मार्गदर्शन करिए। और आइए समझते हैं निर्देशात्मक क्या है। निर्देशात्मक
ये निर्देशात्मक होता है, मार्गदर्शन करता है। निर्देशात्मक क्या करता है? मार्ग प्रदर्शन करता है। दूसरा छात्रों को समझता है ये, ठीक है। तीसरा छात्रों के समस्या हल में सहायक होता है और छात्रों को दंड नहीं देता है। तो हम इस कंक्लूजन में निकल सकते हैं गाइस, किस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो निर्देशात्मक व्यवहार जो होता है आदेशात्मक व्यवहार से अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि निर्देशात्मक व्यवहार में हम बच्चों क्या करते हैं, निर्देश करते हैं, ठीक है, उनको मोटिवेशन देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको दंड नहीं देते हैं, बालों को समझते हैं। लेकिन इसके उल्टा जो आदेशात्मक होता है वो टीचर केंद्रित होता है, टीचर अपने हिसाब से चीज़ें करता है, बच्चों को दंड देता है, जो मन चाहे पढ़ाता है, उनके रुचियों को ध्यान नहीं देता है। तो निर्देशात्मक व्यवहार अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा व शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या अंतर है? तो आ गया आपका बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षण बालक को ध्यान में रखकर होता है। जो भी शिक्षण कराएंगे आप, टीचिंग कराएंगे, तो उसका केंद्र बिंदु कौन होगा? बालक होगा। दूसरा है, शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है, ठीक है। और इसमें शिक्षक केंद्रित में क्या होता है, शिक्षक की भूमिका इसमें अहम मानी जाती है, ठीक है। और शिक्षक अपने अनुसार शिक्षण कराता है, किसमें? शिक्षक केंद्रित में। अब आ जाइए इसमें बाल केंद्रित में, ये निर्देशात्मक होता है और बालक का सर्वांगीण विकास इससे होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है शिक्षक केंद्रित में, इसमें बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है, बालक को महत्व ज़्यादा नहीं दिया जाता है इसमें, पाठ्यक्रम करिकुलम जो होता है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी जो हमारी टीचिंग प्रणाली है कौन सी है, बाल केंद्रित है कि शिक्षक केंद्रित? तो हमारी बाल केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कह रहा है सहभागी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? सहभागी शिक्षण, सह मतलब साथ साथ, भागी मतलब रहना, तो सहभागी शिक्षण का मतलब होता है जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों क्रियाशील रहते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो पहला है आपका, इसमें शिक्षक तथा छात्र दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और दूसरा है, इसका उपयोगिता शिक्षार्थियों को अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे क्या होता है, शिक्षार्थी जो होता है उसको अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा आपका है, शिक्षार्थियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील रखना। अगर दोनों एक्टिव रहेंगे, दोनों शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर काम करेंगे, तो वहाँ छात्र भी क्या रहेगा, क्रियाशील रहेगा आपका। चौथा है, शिक्षार्थियों में सहयोग एवं सहकारिता की भावना उत्पन्न होगी। जब मिल के काम करेंगे तो उनके अंदर सहयोग की भावना आएगी, सहकारिता, साथ काम करने की भावना उत्पन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है, बहुकक्षा या बहुक्षेत्रीय शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उद्देश्य बताइए। तो बहुकक्षा या बहुक्षेत्रीय शिक्षण क्या है? तो आइए जानते हैं, बहुकक्षा या बहुक्षेत्रीय शिक्षण का मतलब क्या होता है। ऐसा शिक्षण जिसमें शिक्षक दो या दो से अधिक कक्षाओं को एक साथ बैठाकर उनकी रुचियों भिन्नताओं का ध्यान में रखकर शिक्षण कराता है। मतलब कि जो भी टीचर होता है एक से अधिक क्लास को एक साथ मर्ज करके साथ में मिला के शिक्षण कराता है, उसे हम बहुकक्षा या बहुक्षेत्रीय शिक्षण कहते हैं। इसके उद्देश्य देखिए क्या होते हैं, बहुक्षेत्रीय शिक्षण के, बहुक्षेत्रीय शिक्षण या बहुकक्षा शिक्षण के उद्देश्य निम्न है। पहला है आपका, छात्रों के समय का सदुपयोग, मतलब इसमें क्या होता है, समय का सदुपयोग होता है, अच्छा उपयोग होता है। दूसरा है आपका, शिक्षकों के अभाव में उत्पन्न समस्याओं का समाधान होता है। अगर स्कूल में किसी कारणवश कम शिक्षक हैं, किसी दिन आए हैं, तो हम एक शिक्षक से भी काम चला सकते हैं, कई सारे बच्चों को मर्ज करके क्लास के एक साथ मिला के। तीसरा है आपका, विद्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखने में भी मदद करता है। अगर शिक्षक कम रहेंगे और क्लास खाली रहेगा तो बच्चे क्या करेंगे, शोर मचाएंगे और अनुशासन में नहीं रहेंगे। चौथा है आपका, बालकों को गीत, नाटक, कविता पाठ आदि से परिचित कराते हैं। मान लीजिए आप ग्रुपिंग में टीचिंग करा रहे हैं, कई कक्षा को एक साथ बैठा के पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या क्या पढ़ा सकते हैं उसको? तो आप उसको गीत सिखा सकते हैं, नाटक सिखा सकते हैं, कविता पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इससे सारे बच्चों को लाभ होगा।
क्वेश्चन नंबर आपका है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं। उपचारात्मक, उपचार मतलब रेडी, क्या है रिमीडियल, ठीक है, रिमीडियल टीचिंग क्या होता है। उपचारात्मक जैसे कि हम अपने लैंग्वेज में सिखा बताते हैं आपको, जैसे कि हमको कोई बीमारी होती है तो हम कहाँ जाते हैं, डायग्नोसिस जाते हैं, ठीक है, जहाँ हमको रोगों का पता चलता है। और फिर उसके बाद हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे रोगों का उपचार करते हैं। वैसे ही उपचारात्मक शिक्षण होता है, पहले बच्चों की कमियों का पता लगाया जाता है, अब बच्चों की कमियों का पता लगा कर उसमें क्या कमियां हैं उसका उपचार किया जाता है, ठीक है, इसी को हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण में अध्यापक विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी त्रुटियाँ को दूर कर मार्गदर्शन करता है, ठीक है। तो उपचारात्मक शिक्षण में टीचर क्या करता है, बच्चे में जो भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको दूर करता है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। परिभाषा है आपका, सॉरी गाजी, परिभाषा थोड़ा आपका मिट गया है, कोई दिक्कत नहीं, अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, शिक्षण की आगमन विधि से आप क्या समझते हैं। जब भी हम टीचिंग कराते हैं तो आगमन मेथड से कराते हैं, तो आगमन मेथड मतलब क्या समझते हैं। तो आगमन मेथड में गाइस हम अपने लैंग्वेज में बता देते हैं, सबसे पहले हम बच्चों को क्या करते हैं, एग्जांपल बताते हैं, ठीक है, उसके बाद नियम बताते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है आगमन विधि। आगमन विधि में हम पहले बच्चों को उदाहरण बताते हैं, क्या बताते हैं, उदाहरण बताते हैं, उसके बाद नियम तक पहुंचते हैं। पहले उदाहरण बताएंगे, उसके बाद नियम बताएंगे, तो ये आपका होता है आगमनात्मक, ठीक है, आगमनात्मक विधि। वही एक निगमनात्मक विधि होता है, इसका उल्टा होता है, निगमनात्मक, इसको भी जान जाइए, ये भी पूछ सकता है। ये होता है पहले आप क्या होते नियम बताइए, ठीक है, उसके बाद आप उदाहरण बताइए, पहले नियम बताइए, नियम से उदाहरण जाइए, ये आपका निगमनात्मक होता है, ये भी पूछता है क्वेश्चन में। परिभाषा देख लीजिए आगमनात्मक का क्या कह रहा है, लंदन के अनुसार ये कहते हैं, जब छात्रों के सम्मुख अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उसके पश्चात बालकों को स्वयं उनके शीर्ष निकलवाने का प्रयत्न कराते हैं, ये आपका आगमनात्मक विधि होता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दक्षता आधारित विधि के सोपान बताइए। दक्षता आधारित विधि के सोपान क्या क्या है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, उसके बाद सहायक सामग्री की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर सामान्यीकरण करते हैं, फिर सूचीकरण करते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, फिर प्रयोग करते हैं। ये थे आपके सोपान दक्षता आधारित विधि के। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, पुनर्वलन कितने प्रकार के होते हैं। तो पुनर्वलन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, ठीक है। पुनर्वलक होते क्या है, वो हमारे क्रिया को बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, खेल पर आधारित दो शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। तो खेल पर आधारित बहुत सारे शिक्षण विधि हैं और पूछता भी है क्वेश्चन में, किसी का ही नाम दे के पूछ लेगा। तो पहला है आपका खेल विधि, ठीक है, दूसरा है आपका मॉन्टेसरी विधि, तीसरा है आपका प्रोजेक्ट विधि, चौथा है डाल्टन विधि, पांचवा है कीडन गार्डन विधि, ठीक है, कीडन गार्डन विधि। ये सब खेल आधारित शिक्षण विधियाँ हैं, इन सब विधियों में हम खेल के माध्यम से सिखाते हैं। किसके माध्यम से सिखाते हैं, खेल के माध्यम से, खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। ये भी पूछा जाता है, इसमें पूछा गया है कि मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो इनको किया था मारिया मॉन्टेसरी ने, मारिया मॉन्टेसरी, और उन्हीं के नाम पे इनको हम मॉन्टेसरी विधि कहते हैं। और फिर ये भी पूछा गया है कीडन गार्डन विधि, तो कीडन गार्डन फ्रॉवेल ने किया था, ठीक है, फ्रॉवेल कीडन गार्डन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्या कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, मतलब माइक्रो टीचिंग। तो गाइज आपने तो माइक्रो टीचिंग किया ही होगा, अच्छा आप लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं,
अभी नहीं जानेंगे। आप सेकंड में जाएंगे तो माइक्रो टीचिंग होता है, तो फर्स्ट में भी होता है। तो माइक्रो टीचिंग क्या करता है, सूक्ष्म शिक्षण में कौशलों को सूक्ष्म इकाइयों में विभाजित करके प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है। इसके माध्यम से सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से क्या की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, किसको, जो भी हम लोग आप लोग हैं जो टीचिंग टीचर बनने वाले हैं उनको सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। परिभाषा है आपका शोर के अनुसार, क्या कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, सूक्ष्म शिक्षण कम छात्रों एवं कम भी शिक्षण क्रियाओं वाली विधि। इसमें छात्र कम होते हैं और कम शिक्षण क्रियाएं होती हैं, लगभग 5 से 10 मिनट तक होता है माइक्रो टीचिंग। ये आपका यहाँ दिया भी है, सूक्ष्म शिक्षण 5 से 10 मिनट तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, क्या कह रहा है, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं शिक्षण कौशल। जैसे हम टीचिंग कराते हैं स्कूल में ग्राम पढ़ाते हैं तो हम क्या कौशलों का यूज़ करते हैं पढ़ाते टाइम, तो वो कौन से कौशल हैं और कब कब उनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो जानेंगे शिक्षण कौशल हैं क्या। तो शिक्षण कौशल क्या होते हैं, शिक्षक जब शिक्षण कराता है तो वह शिक्षण के समय जो कौशलों का उपयोग करता है उसे हम शिक्षण कौशल कहते हैं। आइए जानते हैं कितने होते हैं शिक्षण कौशल और कौन कौन से होते हैं। शिक्षण कौशल निम्न हैं, इनमें से एक एक करके पूछ लेता है आपका। पहला है आपका प्रस्तावना कौशल, तो प्रस्तावना कौशल है। दूसरा आपका है उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। तीसरा श्यामपट कौशल। चौथा है व्याख्यान कौशल। प्रस्तावना कौशल मतलब जो भी हम विषय वस्तु पढ़ाना चाहते हैं तो क्वेश्चन के माध्यम से हम बच्चों से ही वो निकलवा लेते हैं, ठीक है, कि हमको क्या पढ़वाना है। फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल मतलब हाव भाव में परिवर्तन, ठीक है, टीचर को क्या करना चाहिए, अपने हाव भाव में परिवर्तन करके टीचिंग करानी चाहिए जिससे बच्चे क्या होते हैं अट्रैक्टिव होते हैं। श्यामपट कौशल मतलब श्यामपट का यूज करें पढ़ाते टाइम। व्याख्यान कौशल मतलब लेक्चर का यूज करें चीज़ों को समझाने में। और आपका है पूर्णवलन कौशल, पूर्णवलन क्या करता है हमारी क्रियाओं को बढ़ा देता है, ठीक है, वो दो टाइप्स का होता है निगेटिव और पॉजिटिव। छठवा है आपका पाठ समापन कौशल, क्या करते हैं जब भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं कोई और उसका अब समापन होने वाला है तो उस टाइम जो कौशल का यूज करते हैं हम पाठ समापन कौशल कहते हैं। और पाठ समापन कौशल में क्या होता है, सारे जो भी चीज़ें हमने पाठ में पढ़ाई है उसको फिर से रिपीट कर देते हैं, इससे जो बालक का चीज़ें हैं वो जो भी तथ्य हैं वो क्लियर हो जाती हैं अच्छे से। सातवा है पुनरावृत्ति कौशल, जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं उसको रिपीट कर देना चाहिए। आठवा है प्रश्न प्रवाह कौशल, और टीचिंग कराते टाइम हमें प्रश्न पूछना चाहिए बच्चों से जिससे वो क्या करते हैं एक्टिव रहते हैं सक्रिय रहते हैं। और नौ है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री कौशल, मतलब पढ़ाते समय हम दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं जिसको हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, जैसे टीवी हो गया आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं। फिर चार्ट हो गया आपका, चार्ट हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जिसका हम दृश्य श्रव्य सामग्री में आते हैं। और दृष्टांत कौशल जो होता है, दृष्टांत मतलब उदाहरण देना, ठीक है, दृष्टांत मतलब क्या होता है उदाहरण देना, उदाहरण इससे हम क्या करते हैं बच्चों को समझाते हैं। ये थे आपके कौशल। अब यहाँ देखिए पूछ दिया इसमें से एक कौशल, क्वेश्चन पूछा है कि प्रस्तावना कौशल से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो आ जानते हैं प्रस्तावना कौशल के दो गुण पूछा है, तो हम प्रस्तावना कौशल पहले समझ लीजिए आपको क्या होता है। इसका मतलब होता है परिचय कराना, ठीक है, अर्थात शिक्षक द्वारा छात्रों को पूर्व ज्ञान का परिचय करके पाठ्य वस्तु से परिचय कराया जाता है। इससे हम प्रस्तावना से क्या जानते हैं बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में जानते हैं। इसका लाभ क्या है, प्रस्तावना का गुण क्या है, प्रस्तावना का गुण जानते हैं। पहला है प्रस्तावना कौशल से छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता चलता है हमको। हम क्वेश्चन करते हैं प्रस्तावना में तो जानते हैं बच्चे उत्तर देंगे तो उनका पूर्व ज्ञान कितना है उत्तर से पता चल जाता है। दूसरा आपका है प्रस्तावना कौशल से बच्चों में उत्सुकता उत्पन्न होती है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चे क्या होते हैं उत्सुक होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, कह रहा है
शिक्षण कौशलों में एकीकरण का क्या अर्थ है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो कौशलों का एकीकरण मतलब जब भी हम टीचिंग कराते हैं तो कभी कभी ऐसा भी आता है कि हम एक से अधिक कौशलों का प्रयोग एक साथ करते हैं, जैसे कि सैंपल का यूज़ कर लेना, लेक्चर मेथड का यूज़ कर लेना, दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज़ कर लेना, उदाहरण प्रस्तुत कर देना। तो हम क्या किए, एक साथ कई सारे कौशलों का यूज़ कर लिए, तो ये होता है कौशलों का एकीकरण। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। जब हम शिक्षण कराते समय एक से अधिक कौशलों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एकीकरण कौशल कहलाता है। उपयोगिता इसका जानिए क्या है। उपयोगिता पहला आपका है शिक्षण आसानी से होता है, इजली होता है, क्योंकि कई सारे कौशलों का जब हम एक बार यूज़ करेंगे तो जो भी चीज़ें होती हैं बहुत रुचिकर हो जाती हैं। दूसरा है बच्चों समझने में आसानी होती है, बच्चों को समझने में आसानी होती है, लेकिन जब ज़रूरत हो तभी करें, नहीं तो एक बार में एक ही कौशल का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम माइक्रो टीचिंग करते हैं, आपको पता होगा, अब जब भी माइक्रो टीचिंग कराया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि एक समय में एक कौशल का यूज़ करें, लेकिन जब भी हम टीचर बन जाएंगे और बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो उस टाइम हम एक से अधिक कर सकते हैं, जब हमको उसके उसका लगे कि हमको इसका यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, अध्यापक की मुद्रा एवं हाव भाव का कक्षा शिक्षण में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो भी शिक्षक होता है, हाव भाव अपना मतलब हाथों को हिलाना, मोशन में रहना, इससे शिक्षण में क्या होता है, जैसे कि इससे क्या होता है, बच्चे अलर्ट रहते हैं, ठीक है, और टीचर को हमेशा हाव भाव इशारों में या मतलब अपने बॉडी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बताना चाहिए। तो ये कह रहा है अध्यापक की मुद्रा एवं हाव भाव का शिक्षण में परिवर्तन ही क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जब भी टीचर हाव भाव का यूज़ करता है शिक्षण में उसे हम उद्दीपन कौशल कहते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, उद्दीपन कौशल से छात्रों के ध्यान को आकर्षित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या कह रहा है, पूर्णावलोकन कौशल क्या है तथा उसकी उपयोगिता बताइए। तो पूर्णावलोकन कौशल क्या है आइए जानते हैं। ये क्या करता है, इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जिससे विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती है, मतलब जो भी छात्र क्रिया करता है तो उसकी क्रिया को ये बढ़ा देता है। ठीक है, पूर्णावलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। तो अपेक्षित अधिगम स्तर समझते हैं क्या है, अपेक्षित का मतलब होता है निर्धारित न्यूनतम दक्षताएँ। ठीक है, दक्षताएँ कह रहा है, इसके अनुसार प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षताओं को प्रत्येक बच्चा निश्चित रूप से प्राप्त करे, मतलब मिनिमम वो दक्षताएँ होती हैं जो हर बच्चे को प्राप्त करनी चाहिए, वही अपेक्षित अधिगम स्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, गणित किट के किन्हीं दो उपकरणों के नाम लिखिए। तो गणित में किट दिया जाता है जो उसमें बहुत सारे उपकरण होते हैं, वो कौन कौन से उपकरण हैं, देखें, पहला होता है भिन्न चक्र, दूसरा होता है डोमिनोज, तीसरा है पट्टिकाएँ, तीसरा होता है गिन तारा, और चौथा पाँचवा होता है ठोस आकृति, आकृतियों में आपका त्रिभुज का होगा, आयत का होगा, वर्ग का होगा, ठीक है, घन का होगा, घनाभ छड़े, इनका सब उपकरण में, किट में सब उपकरण होते हैं मैथ के किट में। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 25 कह रहा है, किन्हीं दो शब्द दृश्य सामग्री का नाम बताइए। उस सामग्री का नाम बताइए जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। श्रव्य दृश्य का मतलब होता है वे सामग्री जिसको हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो कौन सा है, मान जब आपका टीवी है, टीवी में हम क्या करते हैं, टीवी को देखते भी हैं सुनते भी हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी हम देखते हैं और सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है। तो आइए जानते हैं बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, ऐसा सामग्री जो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करे, ऐसी सामग्री होते हैं जो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं उसे हम बहुउद्देशीय शिक्षण सामग्री कहते हैं। एग्जांपल जैसे चार्ट हो गया आपका, ग्राफ हो गया, मानचित्र हो गया, मानचित्र में क्या करते हैं, पृथ्वी के संरचना के बारे में जानते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव से क्या सावधानी रखनी चाहिए। जो भी शिक्षण इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री होते हैं, उनको उनका रख रखाव कैसे करना चाहिए, उसमें कौन सावधानियां करनी चाहिए। तो सावधानियां निम्न है, पहला है उचित स्थान पर रखें, ठीक है, उसको यूं ही इधर उधर ना फेंक दें। और दूसरा है कीड़ों से बचाएं, मतलब कीड़ों मकोड़ों से उन्हें बचाएं, सफाई करें, सफाई पर ध्यान दें। ये थे आपके आज के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, जो मैराथन 2 था, ठीक है, आपका शिक्षण अधिगम सिद्धांत का पेपर 2 DLED फर्स्ट सेमेस्टर। तो ये आपका पूरा हो गया, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका सेकंड पेपर DLED फर्स्ट सेमेस्टर का। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, इसका पहला मैराथन नहीं देखा है, तो जाके आप देख सकते हैं वहाँ से। और इसको आप देख लेने के बाद आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा शिक्षण अधिगम का, ठीक है। और आपको 50 में से 45 या 48 नंबर पक्के मिलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने रिपीटेड क्वेश्चन लिए थे। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर आपके अंदर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।